Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to learn our second chapter, that name is Dignity of Labor. I am going to translate it into Urdu, so let's start. Dignity of Labor, Mehnat ki Azmat. Dignity of Labor means that all types of professions are respected equally. Mehnat ki Azmat ka matlab hai ke tamam peshon ka masavi ehtiram kiya jaye. No profession, whether physical or mental, is superior to others. कोई भी पेशा चाहे जिस्मानी या जहनी हो दूसरों से अफजल नहीं है. It is said, ऐसा कहा जाता है, work is worship, काम एक इबादत है. The underlying thought in the saying is that every profession is noble, dignified and honorable. इस कहावत में बुनियादी सोच ये है कि हर पेशा आला पावकार और मुअज्जिज़ होता है. द प्रोवर्ब इक्वलाइजेस वर्क विद वर्शिप. ये ज़रबुल मिसल काम को इबादत के मसावी करती है. इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. इट गाइड्स द मैनकाइंड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लिविंग. ये नूए इंसानी की ज़िंदगी के हर हलके में रहनुमाई करता है. Dignity of labor is no exception in this regard. मेहनत की अजमत इस सिलसिले में कोई इस्तस्ना नहीं है. The life and sayings of the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam highlight the honor in which labor, both manual and intellectual, is valued by Islam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इनकी कही हुई बातों में ये इसकी इज्जत को उजागर करती हैं, जिससे इस्लाम में जिस्मानी और जहनी मेहनत की कदर की जाती है. ही लव्ड टू वर्क विथ हिज ओन हैंड्स. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से काम करने को पसंद फरमाते थे. He sallallahu alayhi wa sallam is reported to have said, nobody has ever eaten a better meal than that which one has earned by working with one's own hands. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, किसी ने भी कभी इससे बेहतर खाना नहीं खाया होगा जो खाना इसने अपने हाथों से काम करके हासिल किया हो. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नेवर एट एनीथिंग बट द अर्निंग्स ऑफ हिज मैनुअल लेबर. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी जिस्मानी मेहनत से हासिल होने वाली चीज़ के अलावा कभी कोई दूसरी चीज़ नहीं खाई थी. वन मस्जिद नबवी एट मदीना वॉज बीइंग बिल्ट, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन. जब मदीना में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर के काम में हिस्सा लिया. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरीड द स्टोन्स, मिक्स्ड मोर्टर एंड बिल्ट द वॉल्स. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर उठाए, सीमेंट चूना वगैरह का तामीरी मसाला तैयार किया और दीवार की तामीर की. इन जर्नीज ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसिस्टेड टू शेयर द ड्यूटीज. सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम में हिस्सा लेने पर इसरार करते. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिच्ड द टेंट, पिक्ड वुड फॉर फायर, कैरीड वाटर. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैमा खड़ा करते, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते और पानी वगैरह लाते. द मर्सीफुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज हेल्प अदर्स इन देयर वर्क. रहमदिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों की इनके कामों में मदद करते थे. वर्कर्स आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स.
काम करने वाले मजदूर हमारे भाई और बहने हैं। दे आर अवर हेल्पर्स, वो हमारे मददगार हैं। वी नीड देम, वी डिपेंड ऑन देम फॉर मैनी थिंग्स दैट वी कैन नॉट डू फॉर अवर सेल्फ्स। हम ऐसे बहुत से कामों के लिए जो हम खुद नहीं कर सकते इन पर इन्हसार करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, योर ब्रदर्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हैज मेड देम अंडर योर हैंड्स, अल्लाह ताला ने उन्हें तुम्हारा दस्ते नगर बनाया है। सो हुज़ एवर हैज़ अ ब्रदर अंडर हिज हैंड, लेट हिम गिव हिम फूड एज ही ईट्स एंड ड्रेस एज ही ड्रेसेस। बस जो भी कोई दस्ते नगर भाई रखता है वो इसे वही खाना दे जो वो खुद खाता है और वही लबास दे जो वो खुद पहनता है। Do not give them work that will overburden them, and if you give them such task, then provide them assistance. उन्हें कोई ऐसा काम ना दो जो इन पर ज़्यादा बोझ डाल दे। अगर तुम उन्हें कोई ऐसा काम देते हो तो फिर उन्हें मदद मुहैया करो। Both intellectual and physical work is known as labor. दिमागी और जिस्मानी दोनों कामों को मेहनत के तौर पर जाना जाता है। अ टीचर टीचेस एट स्कूल, एक उस्ताद एक मदरसे में पढ़ाता है। अ लॉयर प्रैक्टिसेस लॉ इन कोर्ट, एक वकील अदालत में कानून की प्रैक्टिस करता है। अ फार्मर वर्क्स इन फील्ड्स, एक किसान खेतों में काम करता है। अ वर्कर वर्क्स इन फैक्ट्री, एक वर्कर फैक्ट्री में काम करता है। अ माइनर वर्क्स इन द माइन, एक कानपुन एक कान में काम करता है। अ डॉक्टर प्रैक्टिसेस मेडिसिन, डॉक्टर इल्म तिब की प्रैक्टिस करता है। एन आर्टिसन वर्क्स इन अ फैक्ट्री, एक दस्तकार एक फैक्ट्री में काम करता है। A clerk works in an office, एक क्लर्क एक दफ्तर में काम करता है। Dignity of labor demands that the work of artisans, farmers, miners should be regarded as respectable as that of doctors, teachers, lawyers. काम की अजमत इस बात का तकाजा करती है कि दस्तकारों किसानों कानकुनों वगैरह का काम इतना ही बावकार समझा जाना चाहिए जितना कि डॉक्टरों उस्तादों और वकीलों का।